हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के एक स्कूल में हुई गोलीबारी एक बार फिर अमेरिका में हावी बंदूक संस्कृति पर सवाल उठाती है, जहां नागरिक मौत के साए में जीने के लिए मजबूर है। देखिए रिपोर्ट। 14 फरवरी को अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के स्कूल में 17 लोग एक बंदूकधारी का शिकार बन गए। हमलावर की शिनाख्त 19 साल के निकोलस क्रूज के रूप में हुई, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। मगर अमेरिका में किसी स्कूल को निशाना बनाने का यह पहला मामला नहीं है। साल 2013 से अमेरिकी स्कूलों में गोलीबारी के 291 मामले हो चुके हैं, यानी अमेरिका में औसतन हर हफ्ते एक बंदूकधारी किसी न किसी स्कूल को निशाना बनाता है। यह आंकड़ा डरावना जरूर है, लेकिन अमेरिकी समाज का सच है। अमेरिका बुरी तरह से बंदूक संस्कृति की चपेट में है। देश की 30% आबादी के पास अपनी बंदूक है और 11% आबादी ऐसी है जिसके घर के किसी न किसी सदस्य के पास अपनी बंदूक है। यानी अमेरिका की 42% आबादी बंदूक के साथ या उसके साए में रहती है। अमेरिका की 58% आबादी बेशक बंदूक से दूर है, लेकिन समाज पर हावी बंदूक संस्कृति की वजह से उस पर ऐसे हमलों का खतरा मंडराता रहता है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बढ़ती बंदूक संस्कृति पर अपने कार्यकाल में कई बार चिंता जताई थी और अमेरिकी कांग्रेस में कई बार इस संस्कृति पर लगाम कसने की नाकाम बहसें भी हो चुकी हैं, लेकिन ताकतवर हथियार लॉबी इस पर किसी भी तरह की पाबंदी का विरोध करती है। नतीजा यह है कि अमेरिका में बंदूकधारी हमलों और हिंसा में बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 में अमेरिका में बंदूकधारियों ने 53,726 हमले किए, जो 2016 में बढ़कर 58,851 और 2017 में 61,497 हो गए। 2018 में ऐसे हमलों के अब तक 6,572 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इन हमलों में साल 2015 में 13,515, 2016 में 15,094 और 2017 में 15,590 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं 2018 में मरने वालों की संख्या 1,826 है। अमेरिका में बढ़ती बंदूक संस्कृति का शिकार बच्चे बड़ी संख्या में हो रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 में 11 साल की उम्र तक के 696 बच्चे जख्मी हुए या फिर मारे गए। इसी तरह साल 2016 में यह आंकड़ा 673, 2017 में 732 और 2018 में अब तक 69 पहुंच गया है। वहीं 12 से 17 साल की उम्र के किशोरों का आंकड़ा देखें तो साल 2015 में 2,696 बच्चे जख्मी हुए या मारे गए। वहीं 2016 में 3,132, 2017 में 3,234 किशोर इन हमलों का शिकार हो चुके हैं। 2018 में ऐसे किशोरों का आंकड़ा अब तक 333 दर्ज किया गया है। आंकड़े बताते हैं कि हाल के वर्षों में अमेरिका में मास शूटिंग के मामले बढ़े हैं। 2015 में जहां मास शूटिंग के 333 मामले सामने आए, वहीं 2016 में 383 और 2017 में 346 मामले आ चुके हैं। 2018 के शुरुआती डेढ़ महीनों में यह आंकड़ा 30 पहुंच गया है। हमेशा की तरह इस बार भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग उनसे तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। इस तरह के हमलों के बाद बार बार एक तरह के संदेश देने की वजह से उनकी ट्रोलिंग भी हो रही है। गो न्यूज़ ब्यूरो।